योहानी सिंह, बहुत मजा आ रहा है आप लोगों को जितना प्यार दे रहे हैं, तो मुझे भी लगता है कि मुझे भी कुछ करना चाहिए, कुछ योगदान देना चाहिए। मेरे पास एक खबर है, आप अपने डांस वीडियोस, एक्टिंग वीडियोस, फनी वीडियोस, मूव्स, कुछ भी अच्छे से वीडियोस बना के मुझे भेजिए, जो मुझे पसंद आएंगे मैं अपने सोशल मीडिया पर उसको शेयर करूंगा, और जो टॉप विनर्स होंगे उनको मिलेंगे एक्सक्लूसिव गिफ्ट। एक्सक्लूसिव गिफ्ट का यह मतलब है कि शायद मेरी बहुत पर्सनल चीजें, या मेरा परफ्यूम, या मेरे कुछ जूते, या कुछ फेवरेट कपड़े, या कुछ चेन्स। सो कीप इट लॉक, ज्वाइन दिस कॉन्टेस्ट, योहानी सिंह लुक का कॉन्टेस्ट। सो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगी, बहुत ही कम समय में 18 मिलियन व्यूज हो चुके हैं ऑलरेडी, एक्सपेक्टेड ही था क्योंकि आपके गाने ऑलरेडी लोगों को इतने पसंद आते हैं। आपने एक्सपेक्ट कितना किया था? मैंने भी काफ़ी एक्सपेक्ट किया था, और मेरी, मुझे लगता है मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ही हो रहा है, और क्योंकि इस गाने को बनाने में तकरीबन 4-6 महीने लगे हमें, तो फाइनली जब प्रोडक्ट बाहर आता है, और व्यूज से ज़्यादा मुझे लगता है कि गाने की रीच पहुँच जानी चाहिए, मासे से लेके क्लासेस तक सब तक गाना पहुंच जाना चाहिए, जो जिसमें टी सीरीज बेस्ट है वर्ल्ड वाइड, कि आपके प्रोडक्ट वो हर जगह प्लेस कर देते हैं, उसके बाद गाने का मुकद्दर है कि गाना कितना चल सकता है कितना नहीं चल सकता। सो आई एम एक्साइटेड राइट नाउ। एंड टी सीरीज को काफी सारे सॉन्ग देने के बाद फाइनली ये वाला सॉन्ग है ना फाइनलाइज हुआ क्या? नहीं, उनको अलग गाने मैंने फिल्मों के लिए दिए हैं, तकरीबन 28-30 गाने दिए हैं, और जो सिंगल्स हैं जो मैं कर रहा हूँ वो मेरे 5-6 गाने सेलेक्ट हो गए हैं, तो दोनों चीजें हम पैरेलल लेके चल रहे हैं। और भूषण जी का ये सुझाव है कि जो मेरे सिंगल गाने हैं वो हम ज़्यादा ज़्यादा करें, क्योंकि वो फिल्मों से भी ज़्यादा काम करते हैं इंडिपेंडेंट लेवल पे। तो अभी लोका है, हम दो वीडियो अभी शूट करने वाले अगले मार्च और अप्रैल में, तो गाने थोड़े बैक टू बैक आएंगे। अब बैक टू बैक आएंगे, लेकिन यू नो इस सॉन्ग से पहले आपने बहुत ज्यादा टाइट नहीं लगा दिया क्या वजह? हाँ, मैं वही बता, पहले आपके सॉन्ग्स बहुत जल्दी आते थे, अब क्या हो गया कि मैं ज़्यादा प्रिसाइज हो गया हूँ, और ना जो मेरे गाने उनको बड़े विजुअल्स की ज़रूरत होती है, उनको अगर मैं आपको बिना विजुअल्स के सुनाऊंगा तो शायद समझ में नहीं आएंगे, तो उसके लिए ट्रीटमेंट बड़ा चाहिए। ट्रीटमेंट बड़े के लिए हमें 3-2 महीने प्री प्रोडक्शन में लग जाते हैं, फिर शूट, फिर पोस्ट प्रोडक्शन। ये गाना दिसंबर से रेडी था, लेकिन टी सीरीज की टीम ने सजेस्ट किया कि उनकी 4 फिल्म्स आ रही हैं जिसके अंदर काफ़ी सारे गाने हैं, तो वो एक गाना दूसरे गाने से क्लैश करेगा, तो इट्स बेटर वी विल वेट। मैंने कहा ठीक है, जहाँ इतना टाइम वेट किया 2-3 महीने और रुक जाते हैं, तो मुझे लगता है कि देर आए दुरुस्त आए। और आपके सॉन्ग्स की खास बात ये भी होती है कि ना सिर्फ गाने अच्छे होते हैं, उसका वीडियो भी बहुत ही वो इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा तो इस गाने का ये भी गाना बहुत अच्छा है, क्या लोकेशन थी, किस तरीके से डिसाइड हुआ? जनरली गाने में डिसाइड करता हूँ, उसके बाद मेरे क्रिएटिव डायरेक्टर मिहिर, वो एक वीडियो रेफरेंस बनाते हैं हम लोग कि हमें किस तरह की वाइब चाहिए, कॉपी नहीं करें हम, हमें किस तरह की वाइब चाहिए। फिर वाइब के बाद ये डिसाइड होता है कि ये वीडियो कौन सी कंट्री में शूट होगा, किस डायरेक्टर को हम लेकर आएँ, क्या कोरियोग्राफी होगी, क्या मॉडल होगा, वो सब हम खुद ही डिसाइड करते हैं। तो इसमें हमने दुबई को सिलेक्ट किया, और दुबई में मैंने तकरीबन 5-6 गाने कर लिए हैं, लेकिन इस गाने को हमने दुबई में ऐसा प्रेजेंट किया है, दुबई ऐसा प्रेजेंट किया है इस गाने में जो शायद किसी ने पहले नहीं देखा, तो इस वजह से भी थोड़ा टाइम लग जाता है। जब मैं गाने के कमेंट सेक्शंस को थोड़ा जा रही थी, तब मैंने देखा बहुत सारे लोग चाहते हैं आप लव सॉन्ग पर थोड़ा सा काम करें, क्या ख्याल है आपका? लव सॉन्ग्स बहुत सारे रेडी हैं, और अभी 2 जो अगले गाने हम लोग कर रहे हैं उसमें एक लव सॉन्ग है, डांस लव सॉन्ग है जैसे लव डोज था मेरा, और एक प्रॉपर डांस सॉन्ग है, और एक उसके बाद हम जो शूट करने वाले हैं द थर्ड सॉन्ग, वो प्रॉपर लव सॉन्ग है। ओके, सो आपके स्टाइल भी बहुत ज़्यादा चेंज हो गया जिसको लोग मिस कर रहे हैं। तो मैंने एक और कमेंट देखा था जिसमें एक जोक टाइप था कि मतलब बार्बर को बोल रहा है कि हेयर कट करवाना है किस तरीके का, हनी सिंह के जैसा, तो वी मिस दोस डेज। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? वक्त के साथ थोड़ा बदलाव जरूरी है, और जब मैंने वो साइड ऑफ वाला हेयर कट रखा था तो काफ़ी लोगों ने उसको फॉलो किया और सबको बहुत पसंद आया, तो अब क्या हो गया कि ऑलमोस्ट सभी क्लियर साइड हेयर कट रखने लग गया, तो मैंने कहा लेट्स ट्राई समथिंग न्यू। तो मखना के टाइम पे हमने डिसाइड किया कि लेट्स गिव इट अ लिटिल माफिया लुक, लॉन्ग हेयर, तो फाइनली वो पसंद आया, तो मैंने कहा चलो उसको भी रखते हैं, थोड़े टाइम बाद कटवाएंगे बाल। बिल्कुल खत्म हो गया, जीरो हो गया, बिल्कुल बिल्कुल जीरो हो गया। आपकी पहचान थी, यू नो, एक अलग स्टाइल स्टेटमेंट था आपका वो ब्लिंक वाला, तो उसको चेंज करने का वो भी अब बहुत ज्यादा हो गया, ओवरडू हो गया, और
जितना स्ट्रीट मैं स्ट्रीट वेयर पहन रहा हूँ, पहले था प्रॉपर बिग मेगा लुक और लार्ज लुक, लोका में हमने पहनी एक जगह पे, बट फॉर रियल लाइफ मैं थोड़ा प्रेफर कर रहा हूँ कि स्ट्रीट वेयर पहनूँ, तो इसलिए ब्लिंक को निकालना पड़ता है स्ट्रीट वेयर, नहीं तो छीन के ले जाएगा कोई स्ट्रीट से। लोका की अगर बात की जाए तो काफी जल्दी सॉन्ग बना लिया, ज्यादा मेहनत नहीं लगी ऐसा। देखो अच्छे गाने जितने भी हैं, इनफैक्ट लुंगी डांस हम लोगों ने सिर्फ 2 घंटे में बना लिया था, हाई हील्स 2-3 घंटे में बना लिया था, तो और ब्लू आईज भी 5-6 घंटे में बना था, तो जितने गाने बढ़िया काम किए हैं मेरे वो बने 2-3 घंटे के स्पैन में ही है, क्योंकि जब आप और से और बेहतर करने की कोशिश करते हो तो आप कहीं उसका एसेंस खो देते हो, सो जो फर्स्ट परौठा बनता है ना वो बढ़िया है, उसको ज़्यादा तलेंगे तो ख़राब हो जाता है, तो वी जस्ट मेड द सॉन्ग इन 2 आवर्स। वेरी नाइस। लेकिन यू नो इसके अलावा अगर बात की जाए तो जैसे कि हमने कहा कि बहुत कम नज़र आते हैं, तो डू यू थिंक कि कहीं ना कहीं ये गैप आपके लिए नुकसानदेह साबित हुआ या फिर नहीं फ़ायदेमंद साबित हुआ, क्योंकि इस दौरान मैंने सिर्फ म्यूज़िक बनाया जो मैं पहले मिस करता था, मैं ट्रैवल इतना कर रहा होता था, शोज इतने कर रहा होता था, म्यूज़िक बनाने का टाइम बहुत कम मिलता था, तो अभी तभी मैंने 3 साल के अंदर 50-60 गाने बना लिए, और प्रॉपर डे एंड नाइट सेशन रखा है मैंने, स्लीप अच्छी मिली है मुझे, ट्रैवलिंग कम रखी है मैंने, तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है गानों के लिए, तो अब गानों की लड़ी बन गई है, अब फिर से ट्रैवलिंग शुरू करेंगे, बाकी चीज़ें शुरू करेंगे। डेफिनेटली मैम। दो तीन गाने हैं, द नेक्स्ट सॉन्ग वी शूटिंग, सॉन्ग नेम इज़ फर्स्ट किस, एंड उसके बाद एक और गाना है जो हम डांस सॉन्ग कर रहे हैं, उसका नाम है सैया, अब सोचो क्या होने वाला है। और इसके अलावा फिल्मी सॉन्ग्स के बारे में, फिल्मी सॉन्ग 2-3 हैं, 2-3 शूट हो गए, बट मुझे फिल्म्स का नाम नहीं पता कि वो कौन सी फिल्म में है, 2 गाने शूट हो चुके हैं फिल्म के लिए, सब साथ में आएंगे बैक टू बैक, कुछ रीजनल गाने भी आएंगे, क्योंकि पंजाबी जो ठेठ पंजाबी है थोड़ी हार्ड कोर, अब वो भी लोग पसंद कर रहे हैं, पैन इंडिया भी बहुत पसंद कर रहे हैं, तो मैंने कहा थोड़ा रीजनल भी प्ले करेंगे गेम, लोगों की चॉइस है सच पंजाबी सॉन्ग्स में ज़्यादा होने लगे। बिल्कुल, शुरू से मैं जट्टी अमला पगला दीवाना, तब से बॉलीवुड ने बहुत साथ में लेके चले पंजाबी को, बहुत सपोर्ट किया बॉलीवुड ने पंजाबी म्यूजिक को, पंजाबी म्यूजिक ने बॉलीवुड को, तो फिल्मी सॉन्ग्स भी बहुत पंजाबी है। हाँ जी हाँ जी, तो अपना हैंड स्ट्राइक करना है मतलब। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, थैंक यू, देखते रहेंगे आपको जल्दी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच जी। बाजी की हाल है? रैप तो मेरा है। हाँ रैप तो आपका ही है, वो मेरा वाला मैं भूल गया था, मैंने बादाम खाना बंद कर दिया तो। बाजी वेलकम है, थोड़ा गाना हमने देखा इतना चंगा लगा, पहले बताइए लोका लोका का मतलब क्या होता है? लोका मतलब होता है क्रेजी गर्ल, और क्रेजी गर्ल क्रेजी गर्ल, और लोको का मतलब होता है क्रेजी बॉय, सो पूरा गाना लड़कियों को डेडिकेटेड है। अच्छा, और लड़कों को भी डेडिकेटेड है। अच्छा, जैसे लड़के क्रेजी होते हैं लड़कियां ज्यादा क्रेजी होती है। आई हाय, सो वी मेड दिस लोका। बोलते हैं ना कि मतलब जिन पे प्यार आता है उनको हम हनी बोलते हैं, आप पहले से हनी हो, आप पे किसी को प्यार आता है वो आपको क्या बुलाता है? मुझे कोई प्यार कोई आपसे प्यार करता है तो वो आपको क्या बुलाता है? पहले से ही हनी हो, तो हनी हनी दो बार बोलते हैं, दो बार यो हनी सिंह बोलते हैं। अच्छा, मैंने सुना ये गाना आपने 2 घंटे में पूरा मतलब तैयार कर दिया था। ऑलमोस्ट जितने भी गाने होते हैं जो हम क्रैक करते हैं बनाते हैं, हाँ जी, तो वो अगर वो 2-3 घंटे के अंदर बन जाते हैं तो इसका मतलब कि गाना क्रैक करने लायक है और अच्छा है। सो हम व्हेन वी ट्राई टू एक्सेल द एक्सीलेंसी, जब ज़्यादा टाइम लगाते नहीं, थोड़ा और देखते हैं, तो वो गाने में इतना मज़ा नहीं होता। हाँ जी, जनरली जितने भी गाने जो भी मेरे हैं, ब्राउन रंग अंग्रेजी बीट हाई हील्स ये सब जी, 3-4 घंटे में बने गाने, तो वी जस्ट मेड लोका फ्रॉम बीट टू फिर लिरिक्स टू रिकॉर्डिंग एवरीथिंग इन 2 आवर्स। तो मतलब जितना टाइम हमें यहाँ से लोअर परेल जाने में लगता है उतनी देर में सर एक सुपर हिट बना देते हैं। सर के लिए जोरदार तालियां जी। पाजी एक नंबर आर्टिस्ट ने, पाजी गाने के बारे में थोड़ा सा हमें बताइए कि मतलब जब ये बना, आपकी टीम कैसे इकट्ठी हुई, कैसे वीडियो शूट किया आपने गुगू बोट पे? हाँ जी, वो मतलब चक्कर नहीं है आपको? एक्चुअली मेरे जितने भी गाने होते हैं कुछ नए होते हैं, कुछ वियर्ड होते हैं, तो मेरी ये सोचना है कि विदाउट विजुअल वो मैं अगर गाने किसी को सुनाऊँ तो उनको कम ही समझ में आते हैं, तो मुझे विजुअल अपने गानों का रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो प्रिसाइजली वही दिखाएं जो मेरा गाना कह रहा है। तो हमें तकरीबन 3 महीने लगे इसकी प्री प्रोडक्शन में, और मेरी सारी इन हाउस टीम है, बॉबी सूरी माय क्रिएटिव डायरेक्टर, मिहिर गुलाटी, और बाकी हम लोग एडिटिंग वगैरह भी सब खुद ही करते हैं। सो दिस वीडियो टुक अस 4 मंथ्स कि आपके सामने लेकर आने में बहुत मेहनत लगी है इसको, और हमने दुबई में शूट किया इसको,
मैं ऑलरेडी 3-4 वीडियो ऑलरेडी दुबई में शूट कर चुका हूँ, लेकिन हमने कोशिश करी है कि वो दुबई दिखाएं जो किसी और ने अभी तक नहीं दिखाया. सो वी जस्ट मेड दिस वीडियो. हाँ जी, तो मतलब आपको भी एक इनर इंकलिंग होती होगी कि ये गाने के मतलब मेरे मिनिमम इतने हिट्स तो होने वाले हैं, अंदर से पता चल जाता है कि ये वाले में तो मैंने फाड़ दिया. हिट्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ, लेकिन मेरे मम्मी डैडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. वो लोग बड़ा कहते हैं तेरे अच्छे मिलन हो रहे हैं, वो मिलन. लेकिन मेरे को है कि लोगों तक पहुँच जाए गाना प्रॉपरली, जो टी सीरीज बेस्ट है इन द वर्ल्ड, कि आपके गाने को रीच दे देते हैं, बाकी गाने की किस्मत है वो क्या करेगा क्या नहीं. और जी आपका स्टाइल भी बड़ा वखरा है, एकदम स्वैग भी मतलब एकदम चंगा है. मेरा तो ये सब लोखंड वाला का है, आपका ब्लिंग कहाँ से आता है? ये भी ब्लिंग नहीं है, सिंपल है. अच्छा, नहीं मेरे वाले का खाता चलता है इधर. मेरे को कभी आपको हेल्प करनी हो तो मैं कभी भी भाग के ले आऊँगा आपके लिए. वैसे आपके साथ गाने में और भी बहुत बहुत ज़बरदस्त जो नाचे हैं उनके बारे में बताइए. निकी के बारे में इनको भी कास्ट करने में हम लोगों को 1 महीना लगा था. अच्छा, एक महीना लग गया. मैंने आपको एक महीने बाद हमने इनको ढूंढा, मतलब मैंने आपको इमीडिएटली चुन लिया. मम्मी को बता दिया है कि मतलब लड़की भी मांग लेके है, मतलब मैंने अपना बता दिया. कैसा था आपका एक्सपीरियंस योयो के साथ? अमेजिंग, इट वाज सरियल. वर्क रियली हार्ड ऑन दिस वीडियो, डिफरेंट स्टाइल ऑफ डांस, बट एवरीवन मेड इट रियली गुड. बॉबी एंड साहिल एंड महीर एंड योयो एंड एवरीवन वाज जस्ट रियली रियली स्वीट. एंड इन्होंने हार्ड वर्क बहुत किया है, इन्होंने पूरा सीक्वेंस मेरे हिसाब से 1 हफ्ते में सीखा थ्रू आउट. और सेट पे भी इतना कुछ था, बहुत सारा झमेला था, बहुत सारे डांसर्स थे. इवन दो उसके बावजूद भी ये बहुत स्टैंड आउट करा इन्होंने. इन्होंने डांस हैड एन अमेजिंग टाइम. या हां जी, आप लोगों का वो सीवी इतना ब्लू ब्लू लग रहा है, बिल्कुल मतलब फिल्टर विल ब्लू है. पानी ब्लू तो पानी ब्लू ही होता है, मैं बस उसी पे आ रहा था. अच्छा, वैसे मेरे मीडिया के बहुत सारे दोस्त हैं यहां पर जो जरूर योयो से कुछ पूछना चाहेंगे. योयो इज हियर इन द हाउस. कौन जी कौन पहले आएंगे? मैंने ग्लेयर्स पहने ना, जरा हाथ दोनों ऊपर करना. लेकिन अच्छा जी, इन्हें एक माइक देंगे कोई, वैसे पूछ लीजिए. हेलो हनी, हनी सर, बैक टू बैक आपके हमेशा गाने हिट रहे हैं और ये भी आज लॉन्च हुआ है और 3.2 मिलियन व्यूज हो चुके हैं, तो उसके लिए क्या कहेंगे सर आप? बस ये लोगों का प्यार है. जो लोगों को समझ में आता है कि हम लोग मेहनत करते हैं, थोड़ा टाइम लगता है, 6 महीने बाद एक गाना दे रहे हैं या 7 महीने बाद एक गाना दे रहे हैं, फाइनली लोग उसको प्यार करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है. लुक की बात करें, लुक भी काफी डिफरेंट है सॉन्ग में इसमें ना. हाँ, इसमें कोशिश ये करी है, इन्होंने भी मेरा भी अभी मजाक बनाया कि मैं बेदिंग रोब पहन के खड़ा हो जाता हूँ वीडियो में. सो कुछ ऐसा था जो बाकी लोग नहीं कर रहे, या जो मुझे लगता है कंफर्टेबल है, भले वो बेदिंग रोब हो भले वो स्लीपिंग रोब हो, तो मैं तो यही पहन के डांस करूँगा, इसी तरह वीडियो करूँगा. सो इट्स समथिंग न्यू, समथिंग डिफरेंट, करते रहनी चाहिए कोशिश, नहीं तो भीड़ में खो जाता बंदा. Can you hear me? Yeah. Hi, this is Sakshi from E24. जब मैं आपके बारे में रिसर्च कर रही थी तो एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आई आपके बारे में, दैट यू आर अ पार्ट ऑफ इल्यूमिनाटी एंड या दैट यू आर अ पार्ट ऑफ इल्यूमिनाटी एंड योर हैंड जेस्चर्स इन योर वीडियोज शो केस दैट लाइक दिस साइन एंड दिस साइन एंड देन इट्स नथिंग लाइक दैट. अगर आप कुछ भी चीज़ को बोलते हैं कैसी है, फंटास्टिक है, तो ऐसा कुछ नहीं है. बेसिकली थ्योरी यही थी कि बिकॉज कोई थ्योरी नहीं है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है. पाजी गाने बनाने में बिजी हैं, वो थ्योरी प्रैक्टिकल कुछ नहीं करते हैं. आपको गाने के बारे में ज़रूर पूछे, बड़ा ही ब्यूटीफुल सॉन्ग है, बहुत ही प्यारे लिरिक्स हैं, इतना चंगा वीडियो है, तो ज़रूर मैं अपनी मीडिया फ्रेंड्स को थोड़ी सा गुजारिश करूँगा थोड़े गाने पे थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करते हैं. बाकी पाजी की लुक तो हमेशा हिट है. हनी, आप अभी रिहैब से आए हैं और उसके बाद ये जो गाना है इसमें मैं रिहैब गया ही नहीं कभी. खबरें ऐसी थी कि आप खबरें तो बहुत थी ना. ठीक है, हाँ, तो आपने जो भी ट्रीटमेंट लिया होगा अपने हेल्थ के लिए या जिन भी चीज़ों के लिए, गाने की शुरुआत ही दारू से हो रही है, सो क्या आप इन चीज़ों पे कंट्रोल कर रहे हैं अपनी लाइफ? नहीं, मैं तो नहीं पी रहा हूँ, लेकिन कहीं पे भी आप पार्टी करते हैं तो अल्कोहल बहुत बड़ा एक रीज़न होता है कि हाँ लोग पार्टी करने जाते हो तो करते ही करते हैं. इनफैक्ट हमारी सरकार भी वाइन शॉप लिकर शॉप खोल के देती है, जब वो बंद हो जाएंगे तो हम गानों में भी गाना बंद कर देंगे. हाय, ओ सो हनी, सबसे पहले तो यू नो मुंबई से काफ़ी कटे से नज़र आए हैं कुछ लंबे समय से, कुछ वक्त से, कोई खास वजह रही इसकी? नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं. एक्चुअली तो मैं रहता अभी दिल्ली में हूँ, तो बॉम्बे आते हैं मेरी कर्म भूमि है, यहाँ पे आते हैं काम करते हैं और फिर चले जाते हैं, ऐसा नहीं है. लेकिन हाँ, तकरीबन 2-3 साल से मैं बहुत सारे गाने बना रहा था और तकरीबन 38 सॉन्ग्स मैंने टी श्री भूषण जी को पिछले महीने दिए और कहा कि इसका कुछ करते हैं, तो इतना वक्त इसी में लगा कि बहुत गाने बन रहे थे
और मेरे गाने को शूट करने के लिए टाइम बहुत चले जाता है, तो साल में 2 या 3 गाने आ पा रहे हैं, लेकिन आपकी ब्लेसिंग्स है, हम बहुत सारे गाने इकट्ठे शूट कर रहे हैं अभी और जल्दी 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 गाने आएंगे। इसके अलावा यू नो लिरिक्स पे कितना ध्यान देने लग गए हैं अब, क्योंकि यू नो थोड़े बहुत कभी कभी फंस जाते हैं लिरिक्स की वजह से आप, तो अब थोड़ा लिरिक्स पर ध्यान देना सीख लिया है या देने लग गए हैं ध्यान? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जितना समझ में आता ठीक है, लेकिन अगर कोई सजेस्ट करता है कि थोड़ा ईजी कर दो लिरिक्स को तो ईजी कर देते हैं। ओके हनी, मुंबई की इतनी गर्मी में आपने जो कैप पहनी है वो स्टाइल के लिए या कोई और रीजन? स्टाइल, सब कुछ स्टाइल है। ये देखो, ये टाई एंड डाई वाली पहले चुन्निया होती थी, मैंने वैसे डेनिम बनवाया है, सब स्टाइल है, उल्टा वियर्ड करने का मजा ही कुछ और है। सो ये आपका द कैप गोज विद द पैंट्स? यस। हनी, भले ही आपने रैप की शुरुआत की हो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में, लेकिन उसके बाद बहुत सारे रैपर्स आए हैं, आपका करंटली फेवरेट कौन है? देयर इज अ क्रेजी गाय, लोको गाय, हिज नेम इज एमवीए बंटाई, He is crazy. He is just amazing. अच्छा, एक बात हो रहा है कि मैंने रैप की शुरुआत नहीं करी थी, मुझसे भी कई सालों पहले बाबा सैकल जी को सुना हमने, एक वो स्टाइल भाई थे अगर किसी को याद होना हो, और उसके बाद शंकर माधवन जी ने भी ब्रेथलेस गाना गाया था, अपाची इंडियन, तो इन लोगों ने पहले ही बहुत अच्छी शुरुआत कर ली थी, मैंने सिर्फ ये कोशिश करी थोड़ा कमर्शली रैप को करूँ, नॉट रैप ना लगे, लेकिन अब बहुत अच्छा इम्प्रूव कर गया, हिप हॉप रैप फिल्मों में एक्सेप्ट किया जा रहा है, स्ट्रिक्ट रैप भी, और जिनमें से गली बॉय मूवी थी उनमें से विवान का रैप बहुत पसंद किया गया, हालांकि वो कमर्शियल नहीं था तब भी, तो बहुत अच्छा स्कोप खुल गया और सारे लड़के बहुत कमाल काम कर रहे हैं। माय फेवरेट इज एमवीए। हनी, हाय। नहीं, हाय यार। वेल, जब भी कोई सॉन्ग शूट करना होता है आपका, तो स्टाइल हो, लोकेशन हो, सारी चीज़ें एग्जॉटिक होती है, इसमें आपका कितने इनपुट्स रहते हैं, ये जानना चाहिए। लकीली मेरी टीम बहुत कमाल है, मेरी टीम में बॉबी इज माय मैनेजर, मिहिर इज माय क्रिएटिव डायरेक्टर, सिस्टर मेरी काफ़ी चीज़ें सजेस्ट करती है मुझे, मेरी वाइफ स्टाइलिंग पे बहुत ध्यान देती है, तो मेरे पास स्टाइलिस्ट भी हैं काफ़ी सारे, और बेसिकली क्या होता है, जब गाना हम बना लेते हैं एक ऑडियो, तो एक विजुलाइज हो जाता है कि हमने इसको इस तरह शूट करना है, तो यही ऑप्शन है कंट्रीज़ के, यही ऑप्शन है क्लोथिंग वाइब के, यही ऑप्शन है क्रिएटिव्स के, तो वो हम सॉर्ट करते हैं और कोशिश करते हैं कि वो अच्छा बन जाए वीडियो किसी तरह, तो टीम का बहुत बड़ा हाथ है, मैं तो सिर्फ पिक एंड चूज करता हूँ। और जब भी हम हनी सिंह के बारे में सोचते हैं, पहली इमेज जो आती है दैट इज़ ब्लिंग, और आज जब हम आपको लॉन्च पे भी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे यू नो विद दैट ब्लिंग, बट इज़ दिस द रियल यू? इट ऑलवेज दैट्स ऑल रियल ऑफ मी, बट थोड़ा सा फैशन थोड़ा सा चेंज हुआ है, तो उसके हिसाब से मैं स्ट्रीट वेयर पहन रहा हूँ अब, वो ब्लिंग ब्लिंग सिर्फ विजुअल, बड़े विजुअल के लिए अच्छा है, यॉट पे खड़ा हो तो अच्छा है, अभी गाड़ी में आओगे तो ब्लिंक को ले जाएगा उठा के, सो इट्स बेटर टू गो लोको। ये मैं चलाऊँ ये सब पहन के इस रोड पे, मतलब लोग आके आपको भगाना शुरू कर देते हैं, कुत्ते भौंकना शुरू कर देते हैं, ये नहीं करना चाहिए, ट्राई आपने नहीं करना, उन पर अच्छा लगता है, हम पे नहीं, मतलब पाजी कर लेंगे तो हिट कर देंगे। एक और लास्ट क्वेश्चन में लूंगा अगर मीडिया के कोई हैं तो। हनी, आपसे सवाल है, जब आपने सबैटिकल लिया था और उसके बाद जब आप आए, तो सबैटिकल के टाइम पर आपको लगा कि बिकॉज आप इतने बाहर नहीं जा रहे, यू आर नॉट आउट देयर, डिड यू एवर फियर कि इससे आपकी प्रोफेशनल लाइफ पर काफ़ी फर्क पड़ेगा, डिड योर फाइनेंस गेट अफेक्टेड बाई एनी चांस? फाइनेंस तो देखो मैम, जिंदगी का मकसद कभी रखा ही नहीं, जब यहाँ से शुरू किया था, यहाँ से शुरू करे यहाँ पहुँचे, किसी वजह से ब्रेक लग गई, तो अगर दोबारा भी शुरुआत हो रही है तो यहाँ से हो रही है और यहाँ जाएंगे इंशाल्लाह, तो वो कभी ऐसा नहीं मेरे को लगा कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। थैंक यू सो मच मेरे मीडिया के जितने भी दोस्त हैं।